स्वागत है आपका ट्रेंडिंग नेचर के एक और शानदार वीडियो में। आज हम हैं स्ट्रॉबेरी के बाग में और हमारे साथ हैं खास मेहमान मिस्टर सलमान। हेलो सलमान जी, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। तो गाइस, मेरा नाम है सलमान अब्बासी और मैं पुराना गांव का रहने वाला हूँ। ये जो बाग है हमारा, ये DPS के बराबर में है, दिल्ली पब्लिक कॉलेज। ये यहाँ RIT के बराबर में आप पुराना गांव में, यहीं पे हमारा ये खेत है। आपको इस खेती में कितना समय हो गया? ये खेती हमें आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे कंप्लीट इसमें। ये खेती लगभग कितने एरिया में फैली है? ये पहले तो हमने 1 बीघा लगाई थी और फिर हमने इसको कर दिया 3 बीघे, और 3 बीघा से अब कर दिया हमने इसमें 5 बीघे तीसरे साल में। अच्छा, लगातार जी ग्रोथ है। जी, हर साल इसमें ग्रोथ हो रही है। ये बताइए, इसमें आपने 5 बीघे में जी लगभग कितने पौधे लगा रखे हैं स्ट्रॉबेरी के? इसमें लगाए जी हमने 20,000 पौधे। 20,000? जी, 20,000 पौधे लगाए। और मैं ये देख रहा हूँ इन पौधों में आपने एक टेक्निक यूज़ कर रखी है, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए आपने क्या कर रखा है। ये एक्चुअली पन्ना होता है ये, अगर ये हम नहीं लगाएंगे इसके नीचे तो जो हमारा फल आएगा ये इस तरह का, वो मिट्टी पे लगेगा, और जो मिट्टी पे जो लगेगा फल तो एक्चुअली फिर हो जाएगा ख़राब, गल जाएगा वो अंदर से। इसलिए हमने ये पन्ना लगाया हुआ है ताकि फल ख़राब ना हो। ये देखिए, आप इधर देखिए, ये फल आ रहा है, ये इस पे रखा जाएगा तो ये ख़राब नहीं होगा। बारिश भी होगी तो अंदर से नीचे से गलेगा नहीं, और अगर पन्ना नहीं होता तो फिर ये गल जाता अंदर से मिट्टी पर। और ये जो अपने फल पक रहा है, चलिए आपको आगे दिखाते हैं। हाँ, दिखाइए। और साथ साथ ये भी बता दीजिए इसकी क्या दूरी, आपने जो बेड्स बना रखे हैं जिसके ऊपर पन्ना लगाया है? जी जी, ट्रैक्टर्स जी। हाँ, ये जो क्या कोई सामान्य इसको बोलते हैं डोल, और ये बनती है ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर के पीछे आता है टिलर, उससे पहले खेत जोतते हैं, फिर फावड़ा होता है उससे डोल बनाते हैं। बहुत लंबा, देखिए देखिए ये पक रही है। ये देखिए, अगर ये यहाँ पे पन्ने पे नहीं रखी जाएगी, ये डायरेक्टली यहाँ अगर मिट्टी पे रखी जाएगी तो मिट्टी पे ये नीचे से खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसके नीचे पन्ना लगाते हैं। और ये जो आपने डिस्टेंस रखा है इन दोनों के बीच में, जी जी, ये तकरीबन कितना डिस्टेंस होगा? ये होगा आई थिंक, ये तो पन्ना लगने के बाद तो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 1.5 फीट का होगा, 18 इंच का होगा। और ये जो प्रत्येक पौधे हैं आपने कुछ दूरी पर रखे लगाए, तो इनका जैसे, भी कुछ जैसे इनकी ग्रोथ होगी ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर से यहाँ पे आपस में, इसमें कोई भी बीच में गैप नहीं रहेगा, तब ये ग्रोथ होती रहेगी इनकी। ठीक है, इनको एक सामान्य दूरी देना ज़रूरी है जी। तो लगभग कितनी दूरी होगी? ये 1 फीट की दूरी रखते हैं हम, 1 फीट हर पौधे के बीच में। जी, लगभग लगभग 21,000 पौधे आपने यहाँ लगा दिए 5 बीघे में। जी, और 1 फीट की पौधे से पौधे की दूरी और रो से रो की दूरी लगभग? ये 1.5 फीट, 1.5 फीट की। जी, 21,000 में जो ये पौधे हैं, ये बारिश में जो गल जाते हैं फिर, और जो पानी वगैरह में लगाते समय, तो इसमें से 21 में से आई थिंक बचे हो गए ये 19 या 20 हज़ार पेड़ बचे होंगे। अच्छा जी, तो मतलब सब खराब हो गए। 2,000 लगभग का ये इधर देख सकते हैं, ये यहाँ पे सब जो पेड़ थे वो ख़त्म हो चुके हैं यहाँ से, जो बारिश हुई थी, बारिश में जो पेड़ गल जाते हैं वो फिर दोबारा होते नहीं। अच्छा, इतना इनका नुकसान का भी है। 21,000 पौधों में से कम 2-3 हज़ार पौधे आपके ख़राब हो चुके हैं, तो यानी बच्चे लगभग लगभग 18 से 19 हज़ार। हाँ, इतने ही में अभी जो स्टार्ट हुई है इसमें स्ट्रॉबेरी, यानी अभी तो स्टार्टिंग है बस ये। अच्छा, ये बताइए ये पौधे आपने कब लगाए थे? ये हमने लगाए थे 7 अक्टूबर में। अक्टूबर, और अभी चल रहा है दिसंबर। इनको कितना समय लगता है, कितने महीने लगते हैं? ये मिनिमम पूरे 3 महीने के बाद कंप्लीट हो जाती है। 3 महीने इनको मतलब पूरा मैच्योर होने में, मार्केट में बिकने में 3 महीने का समय लगता है, और 3 महीने के बाद ये 3 महीने ही पूरे चलती है। अच्छा, 3 महीने तक ही चलती है? जी, मतलब यहाँ से निकल अप्रैल में चलती रहती है, बस अप्रैल के बाद ये ख़त्म हो जाती है। और इनका ग्रोइंग सीज़न कौन सा सबसे बेहतरीन है? यही है जनवरी। जनवरी, और जब जब आप लगाते हैं इनको, तो वो जैसे किसी को लगानी शुरुआत करनी है तो वो कौन सा महीना रहता है? अक्टूबर सबसे बेस्ट है। अक्टूबर में लगती है।
इसमें थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दीजिए कि कितना लगभग मुनाफा हो सकता है इसमें। ये मान के चलिए कि अगर हम इसमें लगाते हैं 4 से 5 लाख रुपए लगाते हैं, वो तो ज़मीन का एरिया की बात है, कितना एरिया हमारे पास है, हम कितने लगा सकते हैं उसमें पौधे। तो हमने इसमें जो लगाए हैं तो मान के चलिए हमने 4 से 5 लाख रुपए लगाए और 10 से 12 लाख रुपए हो जाते हैं इसमें। 10-12 लाख का तकरीबन मुनाफा हो जाता है। हाँ, और उसमें से अगर खर्चा काट लें कॉस्टिंग करके, यही मान के चलो कि आप 6 से 7 लाख रुपए 5 बीघे में निकल जाते हैं जी। 6 से 7 लाख रुपए आपका टोटल मुनाफा हो गया 5 बीघे में जी। और बीच में जो दवाई है वगैरह वगैरह तो लगानी पड़ती है देखो, क्योंकि इसमें जो होती है कीड़ा आता है जिसको बोलते हैं सुंडी, वो इसका पत्ता खाने लगती है, तो इसमें दवाई लगती है, ज़्यादा दवाई नहीं लगती इसमें बस। अच्छा, उस कीड़े से बचाने के लिए दवाई लगती है खास जी। उस दवाई का खर्चा लगा जाता है जी। 5 बीघे में तकरीबन कितना दवाई लगानी पड़ती है इसकी, वो तो बताएगा उधर रख लिया। ठीक है जी। ये पकने को चुकी है, और स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में क्या आप अपना कुछ दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि क्या इसके बारे में? अभी मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है एक्चुअली, वो पापा को मालूम है, मैं तो अभी कुछ दिनों से इसमें आ रहा हूँ। लेकिन यह है कि भाई मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में, और पूरी जानकारी आपको पापा देंगे। ठीक है, और इसका मार्केट बताइए, आप कहाँ इसको सेल करते हैं? ये मंडी में भी होती है, और जो बेचने वाले हैं वो यहाँ खेत से भी ले जाते हैं। खेत से ले जाते हैं आपके? जो रोड पे खड़े होते हैं ठेला लगा के, वो यहाँ खेत से भी ले जाते हैं और मंडी में भी जाती है। तो इसका आपका कुछ ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हो? नहीं, ऑनलाइन डिलीवरी यहाँ से नहीं होती। तो जिसको अगर किसी बड़े व्यापारी को ख़रीदने हो थोक के भाव, तो आपसे संपर्क कैसे कर सकता है? कॉन्टैक्ट नंबर डाल देगा? ठीक है, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जिनको भी स्ट्रॉबेरी खरीदनी है बिल्कुल ताज़ा, तो डायरेक्ट इनके खेत से खरीद सकते हैं। ताज़ा मिलती है, जो आसपास के गांव के जो लोग हैं यहाँ पे वो यहीं से ले जाते हैं, वो कहीं से नहीं लेते। अच्छा, मिनिमम कितनी आप यहाँ से, मतलब जिसको खेत से डायरेक्ट लेनी है तो मिनिमम कितनी आप दे देते हैं यहाँ से? हाँ, 50 kg तो मिनिमम पूरे चले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, मतलब किसी को, एक व्यक्ति को 1 kg 2 kg 1.5 kg कितनी भी हो। अच्छा, 1 kg 2 kg भी देते हैं आप जी? अगर यहाँ डायरेक्ट आए, वो खुद आए, सप्लाई नहीं करते, वो उनको खुद आना पड़ेगा जी? जी बिल्कुल। तो आसपास के जो गांव है, 3-4 गांव पड़ते हैं आसपास में, ये वो सब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होता है अपने। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर सलमान, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।